याद आया आपको मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने आपको रोज वाटर बनाना सिखाया था? ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आज का जो DIY है उसमें हम ये रोज वाटर यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ये आपको आराम से मेरे आई कार्ड में मिल जाएगा, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो अवेलेबल है, आप इसको आराम से बाद में देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके गार्डन में रोजेस अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से भी रोजेस मंगा सकते हैं एंड उसका भी रोज वाटर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल रोज वाटर जो मार्केट से आपके घर आपको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रेश रोज वाटर की बात अलग होती है। आज का जो DIY है वो हर स्किन टाइप को सूट करेगा, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो या फिर नॉर्मल स्किन हो। ये आपकी स्किन को देगा एक इंस्टेंट ग्लो, क्योंकि हम जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन करेगा और जो स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक्सफोलिएशन आपकी डेड स्किन को निकालेगा और साथ में आपकी स्किन से सेबम को निकालकर आपकी स्किन को क्लियर करेगा। और जब आपकी स्किन से डर्ट रिमूव हो जाएगा तो जो आपकी एक्ने एंड पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे एंड आपकी स्किन एक तरीके से री एनर्जाइज होकर ब्राइट, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने DIY की और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं ले रही हूँ राइस पाउडर, यही वो स्टार इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जो एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा है और एक कोरियन ग्लास स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर मैं लूँगी थोड़ी सी कर्ड, आप कर्ड जो लें थोड़ी सी से सेट कर्ड लें। और फिर मैं ले रही हूँ थोड़ा हनी एंड फिर मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप ध्यान रखिए, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये बना के लें, कोई सा भी ले लें। एंड पूरी जो इसकी ड्राइनेस है हम इस रोज़ वाटर से ही पूरी करेंगे, मैं इसमें कोई पानी अलग से नहीं डाल रही हूँ। बस इसको अच्छे से अब हमें ये रोज़ वाटर डाल के मिला लेना है एंड अच्छे से 15-20 मिनट आप इसको लगा के इंजॉय कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। बस ये तैयार है लगाने के लिए। तो आपने देखा ये DIY बनाना कितना आसान है एंड ये कितना प्यारा भी लगता है एंड ये आपको कोई भी स्मेल नहीं देगा, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, इसको कोई भी मेल या फीमेल दोनों ही लगा सकते हैं। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में घर के कंफर्ट जोन में पार्लर जैसा फेशियल मिल जाए एंड उससे भी अच्छा निखार मिल जाए, वो भी आपके बजट में एंड वेल नोन प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास जो पार्लर जैसा फेशियल वाला है वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मेरे बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, ट्राई दिस DIY एंड लेट मी नो कि आपको ये DIY कैसा लगा, कमेंट बिलो फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।